नए घर में शिफ्ट हो गया, जो मेरे पुराने घर से काफ़ी बड़ा था। सभी लोगों को यह नया घर काफ़ी पसंद था, लेकिन किसी वजह से मुझे इस घर के बारे में कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही थी। एक रात मैं देर तक जगा हुआ मूवीज देख रहा था अपने फ़ोन में। अचानक से मैंने सुना कि कोई गाना गा रहा है। शुरू में मैंने सोचा कि शायद मेरे कान बज रहे हैं या ये आवाज़ फ़ोन में से आ रही है। फिर भी मैंने फ़ोन की वॉल्यूम कम करके देखा, पर यह गाना अभी भी कोई गा रहा था, जबकि मैंने फ़ोन का वॉल्यूम ज़ीरो कर दिया था। मैंने अपनी घड़ी देखी तो उसमें ठीक 3 बज रहे थे। ये गाना कोई लड़की गा रही थी और ये आवाज़ धीरे धीरे मेरे रूम की तरफ आने लगी और फिर हॉलवे की तरफ चली गई, और कुछ मिनट्स के बाद ये गाना बंद हो गया। मैं बहुत डर गया था, मैं इतना डर गया था कि मैं अपने बेड से भी उठ नहीं पाया। मैं जब सुबह उठा तो मैंने अपनी मम्मी से पूछा कि आपने कोई सा गाना सुना रात को, जैसे कोई लड़की गा रही हो, लेकिन उन्होंने सीधे मना कर दिया और मुझसे ये तक नहीं पूछा क्या तुम ठीक हो। मैं बहुत परेशान हो गया। अगली रात मैंने डिसाइड किया कि मैं पूरी रात जगा रहा हूँ और देखूंगा कि कौन रात में गाना गाता है। बाद में मैं लगभग सो ही गया था, लेकिन तभी मैंने दोबारा गाना सुना और बिल्कुल उसी समय जब कल सुनाई दिया था। मैं जानता था कि पूरे घर में सिर्फ मैं ही इस समय जगा हुआ हूँ। मैं बाहर जाके उसे देखने में काफ़ी ज़्यादा डर गया कि बाहर कौन या क्या है जो गाना गा रहा है। मैं बिल्कुल धीरे से हॉलवे में गया और जैसे ही मैं लेफ्ट में मुड़ा, मेरे होश आ गए। वो एक लड़की थी जो गाना गा रही थी। मैंने उससे पहले इस घर में उसे कभी नहीं देखा। वो मेरी तरफ घूर रही थी। उसने सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए थे, उसके बिल्कुल सीधे लंबे काले बाल थे और वो वही गाना गा रही थी जो मैंने अपने रूम में सुना था। मैं चाहता था कि मैं वहाँ से तुरंत अपने कमरे में भाग जाऊँ, पर मैं अपने पैरों को नहीं हिला पा रहा था। और फिर वो लड़की धीरे धीरे मेरे पास आने लगी। मैं रोने लगा। वो नॉर्मल लोगों की तरह नहीं चल रही थी, बल्कि हवा में उड़ रही थी। वो मेरे पास और पास और पास आ रही थी। मुझे उसकी खौफनाक हंसी दिखाई दे रही थी और वो पल मेरी जिंदगी का सबसे भयानक पल बन गया था। और अचानक मैं बेहोश हो गया, और जैसे ही मैं पैनिक में उठा तो तब 3:30 बज रहे थे। मैंने फिर उसे डार्क हॉलवे में देखा, लेकिन वो लड़की मुझे दिखाई नहीं दी। वेल, हम अभी भी इसी घर में रहते हैं और मैं लगभग हर महीने 2 से 3 बार उस गाने को सुनता हूँ जो पूरे हॉलवे में गूंजती है। और मैंने ये बात अपने दोस्तों को भी बताई, लेकिन कोई भी मेरी बातों का विश्वास नहीं करता। मैं हमेशा चाहता हूँ कि ऐसा किसी और के साथ कभी ना हो।